फ्लाइज का बहुत अटैक हो गया है, इसकी सारी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने श्रिंक कर दी और पूरा उसको ढक लिया है बहुत बुरी तरीके से। देखिए पत्तियाँ कैसे ऐसे मुड़ जाती हैं, बिल्कुल उनकी सारी ग्रोथ बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ये ज़्यादातर इन लीव्स के पीछे की तरफ बैठता है। देखिए अपराजिता का इस वाइट फ्लाइज की वजह से कितना बुरा हाल हो गया है। मैं इन पर काफ़ी, मैंने सबसे पहले मैंने इनके लिए किया कि इनको अच्छे से वॉश किया, पानी से अच्छे से स्प्रे किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने कुछ बूंदे दो तीन, देखिए किस तरह से ढका हुआ है ये बिल्कुल, कुछ पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया, लेकिन उससे भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसके लिए आज हम होममेड सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। इसके लिए 2 लीटर हम पानी में ये 2 लहसुन के फूल का इस्तेमाल करेंगे और ये प्रिल जो कि हम सभी के घरों में आसानी से मिल ही जाता है, इसका हम यूज़ करेंगे। और कोई भी ऑयल जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मैंने सरसों का तेल लिया है, इन तीनों चीज़ों की मदद से हम बहुत ही अच्छा एक लिक्विड तैयार करने वाले हैं जो कि 100% इसमें कारगर होगा। मैंने लहसुन को छील कर इसको ग्राइंड करके मिक्सी में और इसको पानी में उबाल लिया है। लगभग 10 मिनट तक हम इस पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे जिससे ये सारा जो सॉल्यूशन है अच्छी तरीके से तैयार हो जाए हमारा। धीमी आंच पर मैंने इस सॉल्यूशन को लगभग 10 मिनट तक उबाल लिया है। बहुत ही इजीली हम इस सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। और अब इसको छानकर मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच प्रिल ऐड करके ये तैयार कर लिया है। अब हम इसको, मैंने एक फूल का ही तैयार किया है इसलिए हम इसको 1 लीटर पानी में ऐड कर लेंगे। अभी अभी बारिश हुई है तो सारे प्लांट्स बिल्कुल सही से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी पत्तियों में पीछे की तरफ बहुत वाइट ये फ्लाइज लगी हुई है। हम काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद ठीक हो जाए, लेकिन अब देखते हैं इस होममेड सॉल्यूशन की मदद से शायद ये वाइट फ्लाइज उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और पौधों को कहीं ना कहीं काफ़ी राहत मिलेगी। हमें टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ों का स्प्रे प्रिकॉशनरी भी करते रहना चाहिए, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्लांट को कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए। बहुत ही बुरी स्थिति कर देता है ये, और मेनली जो हमारे गुड़हल के प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इसने, उन पे ज़्यादा इसका प्रभाव रहा है। अपराजिता के प्लांट की तो आपने देखी है कि कैसे पत्तियों को बिल्कुल इसने ढककर बिल्कुल ख़त्म, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे उसने खींच लिए, बिल्कुल इसकी जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरा ये वाला प्लांट ख़राब हुआ है इनकी वजह से। तो आज हम अपने पौधों पर इसी सॉल्यूशन का स्प्रे करने वाले हैं। इस सॉल्यूशन को आप हफ्ते में 2 या 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। देखिए मेरे हाथ पर भी किस तरह से ये प्लांट को छूते ही हुए ही कितना लग रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हम हफ्ते में 3 बार स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि घर की चीज़ें कभी भी हमारे पौधों का कोई नुकसान नहीं करती। जबकि पेस्टिसाइड को हम हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार छिड़क पा रहे थे ताकि पौधे हमारे बचे रहें, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अब ये स्प्रे मैं टाइम टू टाइम हर 2 या 3 दिन के बाद इन पर स्प्रे करती रहूँगी और फिर उसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आप भी अपने प्लांट्स को इस वाइट फ्लाइज के अटैक से बचा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका छिड़काव कर दिया है, क्योंकि ये जो एक तेज़ स्मेल होती है लहसुन की और ये ऑयल की वजह से ये इस पर बैठ नहीं पाता।